राजमंत्री, माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी हमारे ग्रामीण विकास और पंचायत राज के मंत्री, श्री जसवंत जी श्रम और रोजगार के मंत्री और डॉक्टर राम प्रताप जी जल संसाधन के मंत्री, संसदीय सचिव विधायकगण, लाखावत जी अध्यक्ष धरोहर जो अभी इतना अच्छे अच्छे मंदिर और आपके सबके पैनोरामास बन रहे हैं, माननीय देवी सिंह जी, महापौर जी, अध्यक्ष वाई जी के शहर के और देहात के दोनों जिलाध्यक्ष हमारे, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने सबने मिलकर आप सबके बीच में सबको यहां इकट्ठा करके सबको न्योता देने का काम किया है और इतनी भारी संख्या में हमारे सब भाई, सब बुजुर्ग, सब माताएं, बहनें आज अपना सब कुछ काम छोड़ के यहां उपस्थित हुई है। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहती हूं। आज 3 साल हमारे पूरे हो गए हैं, 34 साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और 34 साल में प्रवेश करने के मौके पर हम लोगों ने यह तय किया कि बीकानेर संभाग से यह काम चालू होगा और बीकानेर संभाग के जनता के बीच में जाके हम आप सबके सामने अपनी खुद की रिपोर्ट कार्ड आपको पेश करेंगे। सरकारें अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करती, चुनाव के टाइम में घोषणाएं करती हैं और चुनाव के फिर पहले और घोषणा करके चली जाती है। हमारी सरकार वो एक सरकार है जिसने 2003 और 8 के बीच में घोषणा भी की, अपनी रिपोर्ट कार्ड भी दी और जो वादे किए थे उसको पूरा करने का काम भी आपके सामने किया। इसी तरीके से आज हमने जो वादे किए थे उसको किस तरीके से पूरा हमने किया है उसकी रिपोर्ट कार्ड हम आपको देंगे। बीकानेर एक ऐसी जगह है और बीकानेर की जनता सब ये जानती है कि हमने जो भी वादा किया था वो ऐसे पुराने चीजों के बारे में वादा किया था जो आपने हमको यह कहा था कि आप कर ही नहीं पाओगे। हमने आपकी चुनौती को स्वीकार किया और इस करणी माता की पवित्र भूमि पे जो संकल्प लिया, जो वादा किया उसको पूरा करने में पीछे नहीं हटे। वैसे तो मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि 3 साल बहुत कम समय होता है और आप अगर मध्यप्रदेश देखेंगे, छत्तीसगढ़ देखेंगे, गुजरात देखेंगे तो उनकी जनता ने उनको 15 साल दिए और 15 साल के अंदर काया पलट करने का काम उन प्रदेशों के अंदर उनकी सरकार ने किया। आपने हमको 5 साल दिए हैं और 3 साल के अंदर जो वादे हमने किए थे उसको पूरा करने का काम हमने चालू कर दिया। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे प्रयास के अंदर कोई कमी नहीं रही है और ये रिपोर्ट कार्ड मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जो अभूतपूर्व जनादेश हमको मिला उस जनादेश के ऊपर खरा उतरने का प्रयास हम लोगों ने तब भी किया, आज भी कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि अगले 5 साल में हम उसको पूरा कर सकें। 3 सालों में हमने वो काम करके दिखाया है भाइयों जो पिछली सरकार ने 5 साल तो भूल जाओ, कांग्रेस का राज 60-70 साल चलता आ रहा है उसने वो नहीं कर पाया। और मैं ये विश्वास आपको देना चाहती हूं कि जो भी काम हमने किया है बिना राजनीति के विकास को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा करने की हम लोगों ने कोशिश की। सबको मालूम है कि हमारे ये जो 3 साल थे वो कितने मुश्किल से भरे हुए। विकास एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे लिए बन गया। आर्थिक खराबा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस और विरासत में 2 लाख से ऊपर करोड़ इनका हमारे ऊपर कर्ज का बोझ इसकी सरकार छोड़ के गई थी। उसके बावजूद भी भाइयों हम लोगों ने 3 साल के अंदर राजस्थान की यह परिस्थिति बनाने की कोशिश की कि कई चीजों के अंदर पहले पायदान में, देश के पहले पायदान में राजस्थान को ले जाने का काम हम लोगों ने आप लोगों ने मिलकर किया। 2 बार ये 3 साल के अंदर स्किल डेवलपमेंट का, मैंने रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट का काम, उसमें हमको गोल्ड मेडल मिला है। बाबा योजना उसके अंदर हमको स्वर्ण पदक मिला है। खानों की ई नीलामी पूरे देश के अंदर अगर कहीं हुई है तो वो हमारे यहां है। सौर ऊर्जा के अंदर प्रथम ये राजस्थान हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा नेटवर्क
अंदर है वो कहीं और देश के अंदर नहीं है और हम भी इसमें प्रथम आए हैं। स्वच्छ भारत में तो आप लोगों ने रास्ता दिखाया है और मैं मानती हूं कि आपके इस रास्ता को देखते हुए आने वाले 2018 का जो हमने टारगेट बनाया है उस टारगेट के अंदर हम स्वच्छ भारत अभियान के अंदर शौचालयों का निर्माण पूरा कर सकेंगे। अन्नपूर्णा भंडार, राशन की दुकान, पॉस की मशीन, ये सब चीजों को जमीन में लाने का काम हमने किया है और इसमें बीकानेर भी अपने नाम कमाया है क्योंकि 217 ऐसी दुकानें बीकानेर के अंदर भी खुली। राशन की दुकान के अंदर पॉस का मशीन लगाना बहुत जरूरी था और 25,000 पॉस की दुकानों के अंदर आज राशन की दुकान के अंदर ये पॉस मशीन लग गई। इस पॉस मशीन के द्वारा आपके जो राशन का सामान था जो पहले बाजार में बिक जाता था आज वो आप ही के पास जाएगा। जितना भी आप उस दुकान से उठा के लोगे जब आप बाहर जाओगे तो टेलीफोन के ऊपर ये आपको खबर आ जाएगी कि आपने 5 किलो लिया है आपके 30 किलो अभी भी हमारे पास है। चोरी का नाम और निशान मैं समझती हूं कि अब मिट गया है। बहुत अच्छी चीज है आपके बीकानेर के अंदर भूतपूर्व रियासतों के करीबन 70 लाख अभिलेख डॉक्यूमेंट्स जो हमारे हैं वो अभी ऑनलाइन कर दिए गए हैं। आप उसको यहां भी जाकर देख सकते हैं उसका भी कार्यक्रम चल रहा है मैंने देखा हुआ है बहुत अच्छा। उन लोगों ने मिलकर जो काम किया है उसके लिए 10 करोड़ रुपया 80 लाख का हमने विकास के लिए पैसा दिया और आज उसको दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। आपको याद होगा 1993 में रविंद्र रंगमंच की बात हुई थी शुरू किया था काम आपने तब और मुझे याद है कि धर्मेंद्र जी जब आपके यहां के एमपी बने तो आप लोगों ने उनसे यह कहा था कि रविंद्र रंगमंच को पूरा करके हमें दिखाया। मैंने आपको इसके बाद भी कहा था कि जिस तरीके से सूर सागर के अंदर आपने कहा था कि इसको ठीक करके दीजिए और अब आप रविंद्र रंगमंच के बारे में कह रहे हैं हम उस रविंद्र रंगमंच को पूरा करके छोड़ेंगे। और आपको ये बताना चाहती हूं कि जो 20 साल में नहीं कर पाया वो 20 साल के अंदर आपका जो काम आपने अधूरा छोड़ा था उसको पूरा करके रविंद्र रंगमंच हमने बीकानेर की जनता को समर्पित किया। जो वादा था उस वादे को हमने पूरा किया। आज मैं आपको कहना चाहती हूं कि 36 के 36 गांव के विकास को हमने के लिए हमने विकास समर्पित किया। हमने ये कोशिश की कि सरकार आपके द्वार 3,15,000 आवेदन प्राप्त हुए थे उसमें से 3 लाख से ज्यादा आवेदनों को पूरा करने का काम हमने किया है। आपकी जिला आपकी सरकार में मैं खुद गई लोगों ने मेरे से पूछा कि इसमें मुख्यमंत्री को जाने की जरूरत क्या है। 10 जिले के अंदर अभी तक मैं गई हूं और 10 जिलों के अंदर 3-3 दिन रह के वहां जो काम थे उसको कलेक्ट्री से लेके जमीन तक लाने की कोशिश हम लोगों ने सबने मिलकर की। न्याय आपके द्वार के अंदर 70 लाख से ज्यादा जो आप लोगों के प्रकरण थे उनका निस्तारण हुआ और पूरे राजस्थान के अंदर 500 से ज्यादा गांव ऐसे थे जिनको हम लोगों ने वाद को बिखर के छोड़ा। ये सबसे बड़ी बात है भाई क्योंकि हमने निस्तारण तो कर दिया परंतु अगर गांव के अंदर झगड़ा है तो झगड़े से गांव आगे नहीं बढ़ सकता। आज 500 से ज्यादा गांव राजस्थान के अंदर हैं जिन्होंने अपने वाद को मुख से मुक्ति पा ली है और जो तरक्की बहुत तेजी से कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी काम है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज 5,000 से ज्यादा शिविर पूरे राजस्थान के अंदर हो चुके हैं और 123 शिविर हमारे बीकानेर के अंदर हो गए हैं। भामाशाह योजना इसके अंदर करीबन 15 लाख व्यक्तियों का नामांकन सिर्फ बीकानेर के अंदर हुआ है और 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपया लोगों के खातों के अंदर अब पहुंच चुका है। ये कोई छोटा काम नहीं है भाई। ये काम आपका 2007 में हम लोगों ने चालू किया और तब 2 साल और अब 3 साल के अंदर इसको आगे ले जाने का काम हमने किया और सबसे पहले हमने हमारी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनको परिवार के मुखिया को मानते हुए और उनको कार्ड दिया उनके नाम पे कार्ड दिया उनके परिवार के नाम को उसके साथ जोड़ा और हमने ये कह दिया कि हमारी महिलाओं से जो इज्जत करेगा जो परिवार उस महिला को इज्जत करेगा उस परिवार को आगे और तरक्की निभाने का काम हम लोग
चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ है। आज आज 8 नए मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश के अंदर चालू हो गए हैं। चूरू है, डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है, भरतपुर है, बाड़मेर है, पाली है, अलवर, सीकर, इनमें से 6 मेडिकल कॉलेज के भवन 101 करोड़ रुपए प्रत्येक के लिए स्वीकृत हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से बहुत फास्ट इनके काम चल रहे हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना भाइयों आपको याद है, फ्री दवाई नहीं मिल रही किसी को, कांग्रेस वालों ने हल्ला कितना जोर जोर से मचाने का काम किया है। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि फ्री दवाई तो हम दे ही रहे हैं, 400 करोड़ अलग से उसके लिए रख दिए हैं, परंतु साथ साथ हमने बिना पैसे के आपके इस बीमा के द्वारा ऑपरेशन करवाना चालू कर दिया है, जिसका सिर्फ बीकानेर के अंदर 28,500 मरीजों का 30 करोड़ रुपया देकर बिना कैश का ऑपरेशन कराने का काम किया है। अभी कोई छोटा काम नहीं है भाई, पर बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ जाते हैं तो उनकी बहुत सारे लोगों का इसके अंदर फायदा होगा। अब आने वाले समय के अंदर जल स्वावलंबन के बारे में हमारे मंत्री महोदय ने आपको बताया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि पिछले साल 3,500 गांव के 1,00,000 टैंक जगह जगह पर बने, अब 4,200 गांव के करीबन 1,50,000 ऐसे और टैंक राजस्थान के अंदर बनने वाले हैं और इसमें हम लोग सब टांके टैंक छोटे छोटे आपके हैनी ट्रक्स अलग अलग किस्म के हम लोग ये बनाने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसका फायदा यह हुआ है कि पानी जो नीचे चला गया था वो पानी अब ऊपर आ गया है और जो ब्लॉक हमारे सूख गए थे आज उन ब्लॉक के अंदर फिर से पानी आ गया है। 25 ब्लॉक ऐसे थे जहां हम पानी निकाल सकते थे, आज वो 50 ब्लॉक हो गए हैं और अगले साल मुझे विश्वास है कि ये 100 ब्लॉक हो जाएंगे। इसका फायदा हमारे गांव वालों को मिलेगा, शहर वालों को मिलेगा और पीने के पानी के अंदर जहां सैलिनिटी थी, जहां फ्लोराइड था, उसके अंदर कमी आ जाएगी, ये मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना वो हम लोगों ने आज कराया। ये राष्ट्रीय योजना ऐसी योजना है जिसमें हमने हमारी बच्चियों का ध्यान रखते हुए हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारे परिवार में बच्ची पैदा होती है तो उसको आगे रखते हुए हमने पूरे देश के अंदर जितना भी पैसा किसी भी प्रदेश में मिलता था उससे कई गुना ज्यादा हमारी बच्ची जब पैदा होती है उसके लिए इंतजाम किया। जून के महीने से जब हमारी बच्ची पैदा होती है तो सबसे पहले उसको 2,500 रुपए मिलते हैं और जब प्रथम वर्षगांठ पे आती है तो 2,500 रुपए और जब वो स्कूल में जाती है तो उसको 4,000 रुपया पहली क्लास में और 5,000 रुपए जब वो छठी तक रहती है और अगर 10वीं में बड़ी प्रवेश करती है तो उसको 11,000 रुपया और 12वीं में जाती है तो 25,000 रुपए उसको मिलते हैं। टोटल उस लड़की को जब वो स्कूल से निकलती है तो 50,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में जमा हो जाते हैं। महिला बच्ची अब जिस घर में पैदा होती है तो वाकई में उस घर की लक्ष्मी बन के जाती है, ये हमने सबको साबित करने की कोशिश कर दी है। फिर आइए भाइयों आप रोजगार पे, मेरे को सब लोगों ने उलाना देने की कोशिश की थी, आपने कहा था कि 15,00,000 लोगों को आप रोजगार देने का काम करोगे। मैं सब लोगों को यह बताना चाहती हूं कि सब पूरी गिनती करने के बाद 11,00,000 ऐसे हैं जिनको 1,00,000 सरकारी और 10,00,000 जिस तरीके से आपको देखने को आज मिला है, ऐसे 11,00,000 से ज्यादा बच्चों को नौकरी देने का काम किया है। मैंने वादा किया था 15,00,000, उस 15,00,000 से ज्यादा तक के हम छोड़ेंगे, ये मैं आप सबको विश्वास करना चाहती हूं। सबको कहा, एक दूसरी बात आई, लोगों ने कहा कि हम कैसे विश्वास करें कि आपने यहां मंच पर खड़े होकर खाली 11,00,000 का नाम नहीं ले लिया है। मैंने सबके नाम को अंकित किया है और मैंने सबको कह दिया है कि एक समय करके हम इनके सबके रोल आपके कंप्यूटर में डाल देंगे, जिसको देखना है वो जाके देख सकता है कि ये वाकई में 5,00,000 है कि 7,00,000 है, 11,00,000 है, वादा पूरा किया कि नहीं किया, ये आप इस कंप्यूटर पे जाके देख सकते हैं। मैं मानती हूं कि 2 साल में 4,00,000 और देने में मुश्किल नहीं होगी, परंतु खुशी तो इस बात की होगी कि उस 4,00,000 को हम और भी बढ़ा देंगे, 15,00,000 से
वो आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको सबको ये कहने को मिलेगा कि जो वादा उन्होंने किया था वो वादा पूरा करने में वो पीछे नहीं है। और कभी आपके बीकानेर में कभी हमने झूठ नहीं बोला है, मैं हमेशा यही कहती हूं कि जो कर सकते हैं वो ही बताएंगे, और नहीं कर सकते हैं तो कुछ दिन बाद उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज आपको सड़क के ऊपर भी मैं ले जाना चाहती हूं। मैंने आपको यह कहा था कि 20,000 किलोमीटर सड़क 5 साल के अंदर हम पूरा करके आपको देंगे। मजाक करा, 20,000 कैसे करेंगे? मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने 3 वर्ष के अंदर 20,000 ने 21,000 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए। पिछली सरकार ने अपने 5 वर्ष में उन लोगों ने 24,000 करोड़ खर्च किए। मैंने 3 साल में हमने 20 कर लिए, और मुझे विश्वास है कि अगले 2 साल के अंदर हम इससे कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। नई सड़क का निर्माण 4,500 करोड़ हमने खर्च किए हैं। नई सड़क का निर्माण 5 साल में इन्होंने 3,000 करोड़ किए, तो हम तो उसी ऑलरेडी आगे चल रहे। इसी तरीके से जो नए सड़कों का हमने जो अलग से किलोमीटर के हिसाब से निर्माण करना था वो 14,700 किलोमीटर हमने कर दिए हैं। इन्होंने अपने 5 साल में 12,000 किलोमीटर किए। खाली बता रही हूं कि कितना फर्क है भाइयों। और यह भी आपको बता दूं कि नवीन राज्य मार्ग जो घोषित हुए हैं उसमें 5,200 किलोमीटर घोषणा हुई है और काम भी उस पर चालू हो गया है, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में 174 ही किए। मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि वादे किसने किए और पूरे नहीं किए, और दूसरी सरकार ने वादे किए और उसको पूरा करने में पीछे नहीं हटे। आज हमने आपको यह पता बताया कि 20,000 किलोमीटर तो हम पूरा करेंगे, आज 21,248 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। नई सड़कों जो घोषणा हुई है वो करीब 9,274 की घोषणा हो चुकी है। टोटल अब तक 30,552 किलोमीटर की पूर्ति हम लोगों ने करने का काम किया है, कहा 20,000 और कहा 30,000। मैंने आपको एक फायदा और किया, आपका एलिवेटेड रोड, एक अखबार ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है कि बात आती है हमारा आ रहा है। मैं ये कहती हूं कि आप लोगों ने 60 साल में नहीं लिखा कितने वादे किए और पूरा नहीं किया। आप ये क्यों नहीं लिखा कि पीछे 5 साल में जो वादे किए उसको क्यों नहीं पूरा किया? मेरे 5 साल अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, मेरे 5 साल जब पूरे हो जाएंगे ना तब मेरे से आप हिसाब लीजिए, उसके पहले लिखने का कोई हक नहीं है। और मैं आपको ये बता रही हूं कि एलिवेटेड रोड की डीपीआर 30 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी और टेंडर होगा और मार्च में काम चालू हो जाएगा और सबको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे जो आखिरी साल है उसमें हमसे पूछिए, उसके पहले पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो आपका रहा रोड की बात। अब उसके बाद मैंने 2-3 काम और आपके सामने रखना है। सबसे पहले शिक्षा को आप छूए, ऐसे बात आप गौरव पथ के बारे में बता दें कि आप लोग पूछ रहे थे गौरव पथ का क्या हुआ। तो शहरी गौरव पथ, इसमें 180 नगरीय निकाय के अंदर 446 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है गौरव पथों के ऊपर। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपके बीकानेर के अंदर ही करीबन 58 अभी तक होने वाले हैं, करीबन 64 हो चुके हैं, और यह गौरव पथ इतने अच्छे बने हैं कि मैं समझती हूं कि आप लोगों ने जहां भी गांव के अंदर भी देखा होगा, आपने देखा होगा सीसी सीमेंट के अच्छे तरह से बने हुए हैं और साथ में उनकी नालियां बनी हुई हैं। ये जल्दी टूटने वाले रोड नहीं है, इसका फायदा आप लोगों सबको वहां मिलेगा। अब शहर के अंदर भी हम इसको देने वाले हैं, तो शहर के अंदर भी लोगों को इसका फायदा देखने को मिलेगा। अब जहां तक शिक्षा हुआ, शिक्षा के अंदर हमने तय कर लिया और आपको सबको बताया कि इसके अंदर हमको राजनीति नहीं करनी है। पिछली सरकार पहले अपने एमएलए से पूछा करती थी, जहां एमएलए नहीं थे वहां उनको मदद नहीं करती थी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि बिना भेदभाव के आते ही सरकार में हमने 5,000 माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर क्रमोन्नत कर दिया। और मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि विवेकानंद आदर्श और मॉडल स्कूल करीबन 9,895
मार्क्स मिला करते थे, आज वो 72% मार्क्स हमारे बच्चे को मिलने लगे हैं। ये भाइयों छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। आज तक कोई भी सरकार अगर कर पाई तो आप मुझे बताए। अब ये 290 स्कूल ऐसे हैं बीकानेर के अंदर जिसमें हम लोगों ने ये काम करके दिया। जहां तक पेयजल का काम है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल परियोजना के अंदर हम लोगों ने 13,040 करोड़ रुपए का अभी तक व्यय किया है, जो 3 साल में हमने किया और 3 साल में उनने 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर पाए गांव के अंदर। आज शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 12,000 करोड़ जो उनने खर्च किए थे 5 साल में, वहां 3 साल के अंदर हम लोगों ने 13,000 करोड़ रुपया खर्च करके बहुत सारे गांव के अंदर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई। बृहद परियोजनाएं 3,686 हम लोगों ने चालू किया है राजस्थान के अंदर, जबकि कांग्रेस ने 5 साल के अंदर सिर्फ 2,700 ऐसी बृहद परियोजनाएं चालू की थी। इससे ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे में और उनमें कितना फर्क था। अब आओ किसानों पे भाई, 3 वर्ष के अंदर 45,700 करोड़ रुपया हम लोगों ने ऋण वितरण किया। गत सरकार ने अपने 3 वर्ष के अंदर 15,000 से ज्यादा ऋण वितरण नहीं किया। आज खड़े होकर चौराहे पर कहते हैं कि सच साहब क्या हुआ, ऋण क्यों नहीं मिल रहा है। मैं ही आपको बताना चाहती हूं कि कितने सालों में सबसे ज्यादा ऋण वितरण अगर हुआ है तो इस सरकार के 3 साल के अंदर 45,000 करोड़ से ज्यादा। ये आंकड़ों के सामने है। गत सरकार के 5 वर्ष में 43,000 करोड़ हुए थे और हमारे 3 साल में 45,000 करोड़ हो चुके हैं। मैं आप लोग सबको ये बताना चाहती हूं कि अल्पकालीन ऋण 43,000 करोड़ रुपया 3 साल में और 40,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्च किया था, वो भी 5 साल में। और जो आपका मध्यकालीन है वो 1,370 करोड़ रुपया हमारे इस टाइम में, जो उनके पूरे 5 साल में 1,300 करोड़ से रुपये ज्यादा वही नहीं है। मैं आप लोग सबको ये भी बताना चाहूंगी कि अभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड करीबन 22 लाख हम लोगों ने बनाकर ऑलरेडी दे दिए। ये छोटे मोटे काम नहीं भाइयों, इसमें बहुत मेहनत लगी है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूं कि हमने किसानों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से निवेश लाने के लिए रिसर्च एंड राजस्थान बनाया था, उसी तरीके से हमने किसानों के लिए ग्राम जयपुर के अंदर शुरू किया। आपको सबको मालूम है करीबन 78,000 किसान उसमें से निकल के गए, उनको देखने को मिला, नए नए नवाचारों को देखने को मिला। और मैं अभी आपको कहना चाहती हूं कि किसान उससे इतना खुश हुआ कि अगले एक साल यानी 2018 के अप्रैल के महीने के पहले 4 और ग्राम हमारे ये डिविजनल हेडक्वार्टर मैंने संभागीय हेडक्वार्टर के ऊपर जिससे बीकानेर भी एक होगा, 4 एकड़ के ऊपर 2018 के पहले पहले हम ले जाना चाहते हैं। मैं समझती हूं कि बीकानेर के अंदर जब होगा तो यहां के पूरे गांव के लोग वहां आएंगे, उनको वो नवाचार देखने को मिलेगा, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा, बाहर के एक्सपर्ट्स के साथ रिसर्च को देखने को मिलेगा और नए तरीके से यहां के जो उत्कृष्ट किसान है वो अपने काम और अपने खेत को आगे बढ़ाने का काम कर सकेंगे। ये तो कुछ है छोटे छोटे काम भाई जो हमारे इसमें हुआ है। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगी कि पूरे सबके साथ विकास करने का जो काम हमारा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए कि बीकानेर संभाग के अंदर कोई नई नई चीज और क्या ला सकते हैं उसके ऊपर भी हमने ध्यान दिया। सबसे पहले मैंने गंगा शहर वालों को कहा था कि जिस तरीके से सूर सागर के अंदर हमने सफाई की थी उसी तरीके से गंगा शहर के अंदर भी हम लोगों को समस्या जो वहां है पानी की उसको भी ठीक करने की जरूरत है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आयु बीपी फेज 3 उसके अंदर 180 करोड़ की लागत से सीवरेज के कार्य गंगा शहर में अब कराए जाएंगे। इसका टेंडर का जो प्रक्रिया है अब पूर्ण हो चुका है और बहुत ही जल्दी उसका काम चालू हो जाएगा। तो गंगा शहर में कुछ 1 साल के बाद जाना होगा, तब वो जो वादा किया था वो गंगा शहर का वादा भी पूरा हो जाएगा, वो भी देखने को हमें मिलेगा। बीकानेर शहर के अंदर 150 करोड़ की लागत से अमृत योजना के तहत सिटी सीवरेज में 113 करोड़ 114 करोड़ वाटर सप्लाई के अंदर 35 करोड़ और हरियाली
बिछाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार करने जा रही है। एक नई चीज हम लोग राजस्थान में आज से शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है अन्नपूर्णा रसोई। हमने तय कर दिया है कि जो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं हमारे श्रमिक, दिहाड़ी पे जो काम करने वाले ग्रामीण और जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उनके लिए भोजन किस तरीके से उपलब्ध कराया जाए। तो 15 दिसंबर से अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ 12 नगर के अंदर हम कर रहे हैं, जहां जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़, ऐसे इसके साथ 80 स्थानों पर हम चालू कर रहे हैं। इसके तहत सब्सिडाइज खाना मोबाइल वैन के जरिए हम लोगों को खिलाएंगे। नाश्ता 5 रुपए का और रात का, दोपहर का खाना और रात का खाना 8 रुपए की दर से लोगों को मिलेगा। तो वो अन्नपूर्णा के वहां चले जाएंगे तो आराम से उन लोगों को भोजन का इंतजाम हो जाएगा। अब इसी तरीके से आज बहुत सारे आईटीआई का लोकार्पण हमने किया है। कौशल विकास हमारे राजस्थान की एक बड़ी प्राथमिकता है। आज आपके सामने 13 आईटीआई को हम लोगों ने यहां शामिल और किया है। मैं मानती हूं कि आज 1870 आईटीआई स्थापित हो जाएंगे, 223 राजकीय और 1647 निजी क्षेत्र के अंदर। हम पूरे देश में नंबर 2 स्थान पर, जो उत्तर भारत का इतना बड़ा प्रदेश है तो वो तो पहले स्थान पर, हम लोग दूसरे स्थान पर हैं। और 13 और आईटीआई आज आपके सामने समर्पित हुए हैं। तो 2 बीकानेर जिले में हैं और 1 गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी हैं। करीबन 90 करोड़ रुपए सबके ऊपर खर्च हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि आईटीआई के मामले में हम एक जमाना था जब 5वें दर्जे पे थे, आज 2 दर्जे पे हैं। और आईटीआई के मामले में देश में, गवर्नमेंट आईटीआई के मामले में देश में हम पहले पायदान पे खड़े हैं। ये भी भाइयों 3 साल की मेहनत है, हम लोगों ने मेहनत करके यहां तक इसको लाने का काम किया है। अब 13 दिसंबर को मैं आज के दिन ये भी आप लोगों को कहना चाहूंगी कि पिछले 60 साल में जन समस्याओं को, मैंने सिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो किसी ने ध्यान दिया नहीं। मैं आज सबका साथ सबका विकास के नाम पे मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर ये अब आयोजित होंगे। इन शिविरों का आज जो उद्देश्य है वो शहर में आवासीय और वाणिज्यिक समस्याओं का किस तरीके से हम निस्तारण कर सकें। इन शिविरों में आवासीय भूखंड और मकानों का नियमन, ऐसे पट्टे जारी किए जाएंगे और परिधि क्षेत्र में खातेदारी भूमि पर बने हुए मकान का 500 वर्ग मीटर तक निःशुल्क नियमन किया जाएगा। और स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत जो भी लंबित प्रकरण है उनका निस्तारण फटाफट किया जाएगा। शिविर में शीघ्र कार्य निष्पादन करके एक सब शक्तियों को एकत्रित करके एम्पावर्ड कमेटी को दी जाएगी ताकि वो मौके पर समस्या का समाधान वही कर सके। और शहरी क्षेत्र के स्थित जो सीमांचक भूमि का नगरीय निकाय को जो हस्तांतरित किया जाएगा, ये भी जन आवास योजना और अन्य विकास कार्यों के लिए फिर आगे चल के उपयोग में आ जाएगा। और युवा टीम्स, डेवलपमेंट अथॉरिटीज और जो पेरिफेरी के क्षेत्र हैं वो जो ग्राम पंचायत में पेरिफेरी में आ जाते हैं, ये आबादी विस्तार, विद्यालय, अस्पताल, सामुदायिक आंगनबाड़ी, इन सब के लिए सिवायचक भूमि का आवंटन से किया जाएगा। तो ये तो कुछ कुछ है जो मैंने आप लोगों के सामने बताया। एक नया काम है शिक्षा के अंदर भी हम लोग चालू कर रहे हैं, इसका नाम है किक, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। ये कक्षा 6 और कक्षा तक 10 तक जो पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए विवेकानंद मॉडल स्कूल के अंदर हम ला रहे हैं और आगामी शिक्षण सत्र से ये चालू हो जाएगी। ये डिजिटल इंडिया के अंदर जो कंप्यूटर नॉलेज और स्किल की जरूरत है बच्चों को, उसमें जो चुनौतियां आती हैं उससे मैंने लोगों को, बच्चों को किस तरीके से जूझना है, कैसे उसके ऊपर से निकलना है, उनको संभालने का और समझाने का काम करेंगे। आज के सीएम शिक्षा विभाग का एक संयुक्त तत्वाधान के अंदर ये योजना हम लोग चालू कर रहे हैं।
और जिस विद्यालय के अंदर 200 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, उससे अधिक हैं, वहां स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से सेल्फ फाइनेंस बेसिस के रूप में भी हम लोग इसका संचालित कर सकेंगे। मैं समझती हूँ कि सफलता पूर्वक इसका प्रशिक्षण हो जाएगा तो विधिवत तरीके से इनको प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा और इसका फायदा भी इतने सारे बच्चों को हमारे मिल जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कुछ दिनों से प्रॉब्लम में निकल रही है, तो हम लोगों ने तय किया है कि इसकी स्थिति को ठीक करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए निगम के फ्लीट में मैंने बेड़े में 500 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 90 करोड़ रुपया हम सहायता राशियां प्रदान करेंगे, ताकि ये बस मार्च 2017 इसके पहले निगम के बेड़े में आ जाएंगे और राज्य सरकार यात्रियों को अच्छा और अच्छी सुविधा देने में पूरी तरह से सक्षम रहेगा। हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब चीजें आप लोगों के बीच में आ जाएं, परंतु मैं मानती हूं कि ये सब चीज आसान नहीं है, फिर भी मेहनत में किसी ने कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो हमारे कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे अफसर हो, चाहे वो हमारे MLAs हो, चाहे वो हमारे MPs हो, चाहे वो हमारे मंत्री हो, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो, चाहे वो हमारे राजस्थान के मंत्री हो, और फिर चाहे हमारे कार्यकर्ता बंधु हो, इसमें सब लोगों ने मिलकर मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं सबको ये बताना चाहती हूं कि कोई व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता है, ये सब पूरे समूह, और फिर उसके बाद आप लोगों का वध हस्त, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोग सब लोगों ने सबने मिलकर जो हमारा हमारी मदद की, हमको आशीर्वाद दिया, हमको प्यार दिया, उसका नतीजा यह हुआ है कि आज इतनी मेहनत करके 3 साल के अंदर जो वायदे हमने आपके सामने रखे उनको पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। अभी कल ही और तो आज मैंने हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब जो प्रतिपक्ष में बैठता है उसको तो बोलना ही पड़ता है, तो मैं समझती हूं कि उनको बोलना ही पड़ा। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या विकास के काम हुए जो मैंने गिनाए अभी, कितना समय लग गया। मैं तो यहां यह कहना चाहूंगी कि वो अपने खाली नोखम ही देख रहे हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। अगर जिस तरीके से इन लोगों ने अपने समय में भेदभाव किया, अगर मैंने भी ऐसा भेदभाव किया होता तो जो काम आज नोखा में हो रहे हैं वो नहीं होते। मैं खाली आपको सड़क की बात करूं, 83 करोड़ के 378 किलोमीटर के काम सिर्फ नोखा के अंदर हमने किया। इस वर्ष 75 करोड़ के करीबन 56 सड़क और 10 गौरवपथ नोखा नहीं बन रहे हैं, तो पहले तो अपने पूरे अपने क्षेत्र के अंदर ही देख लेते हैं तो उनको समझ में आती कि हम लोग विकास जब करते हैं तो सबके लिए करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन कहां से आ रहा है, हमारी जनता सब पूरी है, चाहे वो नोखा की है, चाहे वो जयपुर की है, चाहे वो बीकानेर की है, ये हमारा परिवार है, ये टीम राजस्थान है, ये परिवार राजस्थान है, और इस परिवार ने जब हमारे को चुनाव जिता के और पूरा साथ दिया है तो इनके क्षेत्र के अंदर में काम करने की जिम्मेदारी हमारी है और इस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। मैं आपको ये जिन्हें बताना चाहूंगी कि बीकानेर जिले में पिछले 3 साल में करीबन 2700 करोड़ के काम हुए हैं और आज आपके सामने 127 करोड़ रुपए के कार्य का जो लोकार्पण हुआ है और 324 करोड़ रुपए के कार्य का शिलान्यास हुआ है। भाइयों, ये कोई ऐसा नहीं है, जो है वो सब आप लोगों के सामने आपके है और मैं किसी को कोई ऐसी बात नहीं बता रही हूं जो बात आपके सामने नहीं है। अब आपको याद होगा देव सिंह जी, जब पिछले 2008 में हम लोगों ने नेहरू का ये कार्य दौरा किया, दो काम आपने मेरे को उस समय वहां जब अपने कार्यकर्ता थे उन्हें बताया, एक तो जिप्सम वाली बात की थी, जिस जिप्सम की बात को हम मैंने पूरा कर दिया है, आपने कहा था कि छोटे खेतों के अंदर छोटे किसान हैं, उसका काम हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद आपने कहा था गजने लिफ्ट कैनाल, अगर आप लोग करके दे देते हो तो उस समय मैंने उसकी घोषणा कर दी, काश हमको समय नहीं मिला, 5 साल कोई काम नहीं हुआ और अब 62 गांव को 96 करोड़ लागत से पानी मिलने लगा है या 3 साल का हम लोग का काम।
कोलायत में आज जिंदा है और वो नहीं मिला था, वोट आपको नहीं मिला और उन्होंने दिया भी नहीं पार्टी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप तीन साल, इस तीन साल में आपने जो मेरे को याद दिलाया और मैं आपको बताना चाहती हूँ 96 अरब रुपए का हम लोग जिससे खर्चा करके 62 गांव और मीठा पानी जो वादा किया था कोलायत को पिलाने का, वो कोलायत को मिल गया। अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि वहां का एमएलए बीजेपी का नहीं है और ये काम रुक सकता है, परंतु वादा किया था जनता को, वो वादा पूरा करके आपको दिया। इसी तरीके से कोलायत लिफ्ट कैनाल 2008 के अंदर अपने प्रॉमिस किया था, 106 करोड़ की लागत से हमने 133 गांव जनवरी 2017 तक पानी पिला के मैं छोड़ूंगी। जनवरी 2017 तक आपको वहां पानी मिल जाए। बीकानेर शहर के अंदर 48 करोड़ रुपए लगा के एक्स्ट्रा 40 दे के आप लोगों को पानी दिया जाएगा। पाइपलाइन जनवरी 2017 तक पूरा हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा पानी जो आप लोगों ने मांग की थी वो पूरा होके पानी मीठा आप लोग तक आ जाएगा। राजस्थान खातों का डेफिनेशन, ये दो टैक्स अब पूरे हो गए हैं डूंगरगढ़ और कोलायत, और जो तीन बाकी हैं वो मैं समझती हूं कि मार्च 17 तक उसको भी हम पूरा करके छोड़ देंगे। 55,000 निर्माण श्रमिक, और मैं सबको कह रही हूं कि यहां निर्माण श्रमिक है तो प्लीज अपने कार्ड बनवा लो। ये निर्माण श्रमिक को 13 लाख रजिस्ट्रेशन पूरे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने करवाया है, और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि जितने और आप लोगों को करने की जरूरत है वो आप लोग कराइए। बीकानेर जिले के अंदर कुछ और ऐसे कार्य हैं, क्योंकि मैं मानती हूं कि आदमी सोचता कुछ है, ईश्वर कुछ और बताता है। ईश्वर के बिना, उसके आशीर्वाद के बिना हम लोग अपना कार्य पूरा कर ही नहीं सकते। इसलिए मंदिरों का जीर्णोद्धार और इतिहास को सबके सामने रखने का काम हम लोगों ने अपने धरोहर के द्वारा किया है, और मैं आपको खुशी से यह कहना चाहती हूं कि करणी माता का जो पैनोरामा जिसके लिए 5 करोड़ रुपए लगभग हमने दिए थे, आज का निर्माण 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। वो पैनोरामा आपको देखने को मिलेगा, हमने वादा किया था, उस वादा को हमने पूरा किया। नागेश्वर माता का मंदिर का संवर्धन 1.5 करोड़ ये मार्च में आपका पूरा हो जाएगा। लक्ष्मीनारायण जी मंदिर का जो डीपीआर है वो तैयार हो चुका है। गोगा जी का मंदिर 19 करोड़ की लागत से अब काम चालू हो गया है। हम ये कोशिश में है कि 2017 तक गोगा मेडी के मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जब जाओगे वहां के स्टेट के लोग वहां आएंगे तो आप कह सकोगे कि हमारे राजस्थान प्रदेश के लोगों ने भी आपकी केयर करते हुए इतना अच्छा इंतजाम कर दिया है कि आप वापस जाओगे तो ये कहोगे कि राजस्थान में तीर्थ करने जब जाते हैं तो मजा आता है। सारा सर बालाजी के विकास का जो हम लोगों ने डीपीआर विकास का जो मास्टर प्लान है वो तैयार कर लिया है, और भद्रकाली माता मंदिर जो हनुमानगढ़ है उसकी भी डीपीआर तैयार हो गई है और बहुत ही जल्दी उसका काम भी हम लोग चालू कर देंगे। अब गंगा शहर और आपने इसे बता दिया, एक आज आप लोगों ने मेरे को बताया है कि आवारा पशु का शायद आप लोगों के है प्रॉब्लम है। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नंदी गौशाला का इंतजाम हम करेंगे, तो इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी नंदी गौशाला का काम करेंगे। तो फिर आप मेहरबानी करके उस सब लोगों को भाग्य अंदर काम करेंगे तो आपके नंदी गौशाला का काम भी हो जाएगा। अब शहर को साफ रखने का काम है भाई, आप तो बैठो वहां, हम नंदियों को तो मान ले जाएंगे, परंतु खाली सरकार साफ नहीं करेगी, आपकी साफ करेंगे। आज यहां संकल्प लेके आप लोग जाइए, बीकानेर शहर चमक रहा। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूं जिन लोगों ने इसकी सफाई करवाई, और मैं आपको कहना चाहती हूं कि यह अगर आप लोग आज कर सकते हो तो रोज क्यों नहीं कर सकते। बाहर भी यहां जो लोग आते हैं वो देखे तो सही कि बीकानेर क्या चीज है। सब लोग मेरे को कहते हैं कि वो एक जगह है बीकानेर जहां की सड़कें इतनी सुंदर है, जहां का इतना अच्छा लेआउट है, जहां इतने अच्छे म्यूजियम है, सब कुछ है। तो भाइयों सफाई रख लो, अगर आप लोग सफाई रख लोगे और अपनी गंदगी दूसरे के घर के सामने नहीं डाल दोगे, और अगर कचरे के डब्बे वहां रख लोगे और उससे कचरा डलवा दोगे तो
मुझे तो विश्वास है कि बहुत जल्दी बीकानेर में टूरिज्म के लिए जो पर्यटक आते हैं वो और डबल हो जाएंगे। इसलिए आज आप लोग सबको मैं बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूँ। एक सारी शुरुआत है, मैंने ये तय किया है कि बहुत जल्दी ये छोटी सर्विस जो है, बीकानेर वालों ने मेरे को ये भी कहा था कि अगर आप छोटा दिन तैयार होंगे तो 10-12 सीट पे होंगी तो हम पूरे के पूरे खरीद लेंगे। बोला था बीकानेर वालों ने बोला था ना। तो बस हम इस कोशिश में हैं कि बहुत ही जल्दी छोटा प्लेन आप लोग तक आ जाए, तो वो भी बात आपको पूरा हो जाएगा, तो प्लेन लैंड हो जाएगा आपके यहाँ पर। 10-12 सीटें तो आपको, तो आपने कहा था कि हमको वैसे आंख बंद करके खरीद लेंगे, तो मुझे विश्वास है कि अगर प्लेन भी थोड़ा आने में लेगा तो उसका भी फायदा आप लोगों को मिलेगा, बीकानेर के आ जाएगा। आज आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। आप इसी तरीके से आशीर्वाद और प्यार देते रहिए। कभी कभी हम लोग को गलत फहमी क्या है, राजनीति में जब होते हैं ना थोड़ी गलत फहमी हो जाती है। हम लोग एक मंच पर बैठते हैं, आप लोग मंच बैठते हो, तो लोगों को लगता है कि हम यहां ऊपर बैठे हुए हैं सर, तो राज कर रहे हैं। परंतु ये ऐसी सरकार है जिसको ये समझ में आ गई है कि ताकत अगर कहीं है तो ये हमारे सामने जो बैठे हुए हैं उनके में है। अगर राज किसी के हाथ में है तो ये हमारे सामने जो नीचे बैठे हुए हैं ना उनके पास है। और भले ही हम इस मंच के ऊपर बैठे हैं, हम सबको कोई गलत फहमी नहीं है, हम सब इस चीज को पहचानते हैं कि हम यहां सेवक के रूप में बैठे हैं और हमने जो आपको वादे किए हैं हमारे राजा लोगों को, उस वादे को पूरा करने का संकल्प आज फिर लेके हम लोग यहां से जा रहे हैं। ये 13 दिसंबर चौथे साल के अंदर प्रवेश, अगले 2 साल के अंदर जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने का हम लोगों ने यहां संकल्प किया है। और आप सबको, हमारे परिवार के सब मुखिया लोग जो यहां बैठे हुए हैं, उन लोग सबको बहुत सारा प्यार और धन्यवाद देंगे। यही विश्वास दूंगी, मेहरबानी करके अपना प्यार बनाए रखो, आशीर्वाद बनाए रखो, साथ बनाए रखो। हमारे लिए और कुछ नहीं है, यही चीज है। आप देते रहोगे, हम दौड़ते रहेंगे। यही विश्वास के साथ आज के दिन आपको बहुत सारी बधाई। जोर से इस दिन मेरे साथ नारा लगाओगे आप, क्योंकि राजस्थान का दिवस है। जोर से जय जय राजस्थान। ऐसे हल्के हो जाओगे तो हो गया काम। जय जय राजस्थान। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार होता है।